हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद ही लजीज और डिलीशियस आलू के पराठे। इस रेसिपी की रिक्वेस्ट हमारे पास में काफ़ी समय से आ रही थी और शेयर न करने की वजह से थोड़े से व्यूवर्स हमसे नाराज़ भी हो गए। तो पेश है आपके सामने आलू के पराठे की रेसिपी। इसे हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। वैसे तो आलू के पराठे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको बहुत बहुत ही पसंद आएंगे और आप इसके फैन हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं हमारे आलू के पराठे। सबसे पहले हम इसमें सारा यूज़ होने वाला सामान देख लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर 300 ग्राम के करीब आलू ले लिए। इनको हमने अच्छे तरीके से धोकर और उबाल लिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आलू को थोड़ा कम ही उबालना है, क्योंकि अगर ज़्यादा उबाल लेंगे तो बहुत सारा उसमें मॉइस्चर रह जाता है। तो इनको हमने 3 सीटी आने तक उबाल लिया है। इसको मैं उबालने के बाद में फ्रिज के अंदर रख दूंगी। फ्रिज में रखने से इनका मॉइस्चर थोड़ा कम हो जाएगा। 2 कप हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है। 1/2 बाउल हमने यहाँ पर देसी घी लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। सब्जियों में हमने 1 प्याज जिसको हमने बारीक काट करके ले लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि प्याज को बिल्कुल बारीक टुकड़ों में काटना है, नहीं तो हमें स्टफिंग को भरने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। और हरी मिर्च को हमने बारीक टुकड़ों में कूट करके ले लिया है, आप चाहें तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है, इसको हमने अच्छी तरीके से धोकर और बारीक काट लिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन खाना पसंद नहीं करते हो तो बारीक टुकड़ों में कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। और मसालों में हमने 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच कुटा हुआ खड़ा धनिया, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। और आलू के पराठों का टेस्ट बनाने के लिए हमने 1 मैगी का पाउच ऐड किया है। इससे हमारे आलू के पराठे खाने में बेहद ही लजीज लगेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी मसाले हमने हमारे पसंद के अकॉर्डिंग लिए हैं, आप इनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इनमें से आपके पास में कोई भी मसाला अवेलेबल नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने यहाँ पर हल्की कुटी हुई अजवाइन का ऐड किया है। अगर आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 4 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर चावल का आटा ऐड किया है। चावल का आटा स्टफिंग के अंदर डालने से हमारे आलू का मॉइस्चर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 कप हमने यहाँ पर सादा पानी लिया है, इसे हम एज पर नीड डालते रहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारे आलू के पराठे। सबसे पहले हम आटे का डो लगा करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस आटे के अंदर 1/2 नमक, हल्की सी क्रश करके अजवाइन, और 3 चम्मच देसी घी का डाल लिया। इन सबको हम एक बार चम्मच से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इससे एक नरम सा आटा गूंद करके रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम रोटी और चपाती के लिए जो आटा गूंदते हैं उससे हल्का सा नरम आटा गूंदना है, क्योंकि हम ज़्यादा टाइट या ज़्यादा नरम आटा लगाएंगे तो हमारी स्टफिंग बाहर निकलने का डर रहेगा और पराठे को बेलने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर पराठे के लिए डो रेडी कर लिया है और इतना डो रेडी करने में हमें लगभग 1/4 कप पानी का लग गया। फ्रेंड्स, आप भी आटा इसी मेजरमेंट से लगाइएगा, आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। अब हम इस डो को कम से कम 15 से 20 मिनट तक ढक्कन लगाकर रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तब तक हम हमारे आलू के पराठे के लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसके अंदर हम हमारे आलू को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो हाथों से छोटे टुकड़ों में भी तोड़ सकते हैं। हमारे आलू हमने यहाँ पर ग्रेट कर लिए हैं। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और सारी सब्जियाँ डाल देंगे।
इसके बाद हम मैगी के अंदर जो मसाले का पाउच आता है वो और बचे हुए सारे मसाले और बचा हुआ नमक भी डाल देंगे। इसके बाद हमने आलू का मॉइस्चर को हटाने के लिए 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया। एक बार हम चावल का आटा 2 चम्मच ही डाल रहे हैं, हम देख लेंगे अगर हमारे लिए सूटेबल नहीं रहा तो हम और डाल लेंगे। हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें लगा कि इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा बच रहा है, तो हम बचा हुआ बाकी का चावल का आटा भी यहीं पर ही ऐड कर लेते हैं। इन सबको हम यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर चम्मच के बजाय हाथ से मिलाना ज़्यादा सही रहेगा, इससे हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से मिल जाएगी। यहाँ पर हमारी आलू की स्टफिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसके हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगाकर हाथों को चिकना कर लेंगे। हाथों को चिकना करने से हमारे हाथों पर स्टफिंग चिपकेगी नहीं और फटाफट ही हम इसके बॉल्स रेडी कर लेंगे। और चलते हैं स्टफिंग के बॉल्स बनाने के प्रोसेस में। तो देखिए हमने यहाँ पर एक बाउल रेडी कर लिया है, इसी तरीके से हम सारे बाउल्स रेडी कर लेंगे। और इतनी स्टफिंग में हमने 9 बाउल्स रेडी कर लिए हैं। देखिए 15 से 20 मिनट रेस्ट करने के बाद में हमारा डो भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसको हम हाथों में तेल लगाकर थोड़ा सा और चिकना कर लेते हैं। हमने जितनी बड़ी बाउल स्टफिंग की बनाई है उतनी ही बड़ी बाउल हमें डो की भी बनानी है। तो देखिए हमने यहाँ पर डो की भी 9 बॉल रेडी कर लिया है। अब चलते हैं पराठे बनाने के प्रोसेस में। पराठे रेडी करने के लिए हम पास में ही सूखा आटा रख लेंगे और पास में ही हमने 2 बॉल्स और सारे स्टफिंग के बॉल भी रख लिए हैं और हम पास में ही चकला बेलन भी ले लेंगे। इस बॉल को हम थोड़ा सा बेल लेंगे। आप देखिए हम पराठे किस स्टाइल से बना रहे हैं। अगर आप इस स्टाइल से बनाएंगे तो आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और वो अंदर से और बाहर से अच्छी तरीके से पक जाएंगे और आपके पराठों की स्टफिंग चारों तरफ फैल जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा इसको बेलने के बाद इसके अंदर हम स्टफिंग का एक बॉल रख देंगे। स्टफिंग के बॉल को अंदर की साइड में दबाते हुए और चारों तरफ के आटे को रोल करते हुए हम इसको बंद कर लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बॉल अच्छे तरीके से बंद हो जाना चाहिए, नहीं तो हमारी स्टफिंग बाहर निकलने का डर बना रहेगा। देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। अब हम इसको चकले पर जितना पॉसिबल हो सके उतना हाथ से ही फैलाते जाएंगे। देखिए हम किस तरह से फैला रहे हैं, आपको भी इस तरह से ही फैलाना है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो हमारे पराठे का आकार भी बढ़ जाएगा और हमारी स्टफिंग भी चारों तरफ फैलती जाएगी। तो देखिए जितना पॉसिबल हो सका हमने इसको हाथों से फैला लिया। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर देंगे और हल्के हाथों से बेलन से इसको बेलते जाएंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पर एक पराठा रेडी कर लिया। इसी तरीके से हम सारे पराठे रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस यानी इनको पकाने के प्रोसेस में। तो देखिए हमने हाई फ्लेम पर एक तवे को गर्म कर लिया। इसे हम अच्छे तरीके से गर्म हो जाने देंगे। इसको अच्छे तरीके से गर्म होने के बाद हम हमारा पराठा इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद में इसका फ्लेम लो कर देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पूरे प्रोसेस में आपको गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखना है, नहीं तो आपके पराठे बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पराठे को एक तरफ से पकने के बाद हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसके ऊपर घी लगा देंगे। इस पराठे को हम घी लगाकर और पलट पलट कर पका लेंगे। यहाँ पर हमें एक पराठे को पकाने में कम से कम 8 से 10 मिनट का वक्त लग गया। यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता होगी क्योंकि आपके आलू के पराठे अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो उनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए एक पराठा हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारे सारे पराठे रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इन पराठों को देखकर आ गया होगा ना डेफिनेटली मुँह में पानी। आप भी इनको बनाइए, खाइए और हमें बताइएगा कि आपके पराठे कैसे बने। इन पराठों को आप टमाटो सॉस, किसी भी चटनी या फिर दही के साथ में तो इनका जायका बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपको खास करके ये दही के साथ में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे क्योंकि हम भी इनको दही के साथ में ही मज़े लेके खाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।